नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। काली रात में काले कारनामे, झाड़ियों से आए ट्रक में घुसे, कुछ ना मिला तो सामान ही ले गए। दोस्तों, अपने ट्रकों में कैमरा या सीसीटीवी लगाना क्यों जरूरी है, वो इस घटना से आप समझ सकते हैं। रात के अंधेरे में होने वाली घटना सामने आ जाती है और आपको पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी में कौन चढ़ा कौन उतरा। नहीं तो आप बेखबर रहते हैं और गाड़ी से माल गायब हो जाता है, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं और आगे जाकर या तो भाड़ा कटता है या माल शॉर्ट होने पर आपको प्रताड़ित किया जाता है। क्यों ऐसा ही होता है ना? अब देख सकते हैं, ये घटना महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की बताई जा रही है। गांव येडसी है जहां पर सड़क खराब होने की वजह से ये चोरियां हो रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लातूर से पूना हाईवे पर यह गांव पड़ता है। 26 अगस्त की रात की यह घटना है, 11:36 की। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल सीसीटीवी में आ रही है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। रोड के गड्ढे भी साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां गाड़ियां धीमी हो जाती हैं, जिसका फायदा यहां के लोग या यूं कहें कि चोर उठा ले जाते हैं। आप देखिए सीसीटीवी में कि क्या हुआ, कैसे अचानक झाड़ियों से लोग निकल कर आए। दो लोग तो निकलते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद दो और वहां पर मौजूद थे जो कि बिल्कुल आखिर में नजर आ रहे हैं, शायद पहले से ही ट्रक में थे। किसी एक के हाथ में सामान लगा, देख सकते हैं एक संदूक और एक बाल्टी हाथ में लगी है, यानी कि कुछ ना मिला तो यही पकड़ लिया। अब यूं कहें कि महाराष्ट्र में भी चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो इस चीज के लिए बदनाम था और गढ़ था। चलती गाड़ियों से चोरी वहां पर अक्सर हुआ करती थी और अब महाराष्ट्र से भी ये सामने आने लगी है। बीते दिनों बीड़ की घटनाएं हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह एक लगातार पर्टिकुलर रोड पर चोरी होती रही। दरअसल महाराष्ट्र में भी बहुत से पोर्ट्स या बंदरगाह हैं, जिसकी वजह से यहां पे बहुत से ट्रक चलते हैं, गाड़ियां लोडिंग अनलोडिंग होने के लिए आती हैं, लेकिन ऐसे रास्तों का फायदा ऐसे लोग उठा ले जाते हैं। ड्राइवर ने बताया कि ये चोरी हुई, हालांकि देखने में भी यही नजर आ रहा है। अब ऐसे मामलों में ड्राइवर अगर चोरी की शिकायत करने जाता है थानों में, तो आपको पता है कि उसके साथ क्या होता है। सुनवाई जल्दी से होती नहीं, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, कई बार तो ड्राइवरों को ही उल्टा धमका कर भेज दिया जाता है, उन्हें ही शक की नजर से देखा जाता है कि तुम ही न कोई हेर फेर की होगी। लेकिन ऐसी सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद तो कार्रवाई हो। सीसीटीवी लगवाने के फायदे तो हैं, लेकिन तभी जब ऐसी वारदातों के बाद कार्रवाइयां हो और चोर पकड़े जाएं, या उस एरिया में कम से कम चोरी की वारदात कम हो जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कैमरों में दर्ज हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद इस रोड से गुजरने वाले थोड़े से सावधान हो जाएं और अपनी गाड़ियों पे सीसीटीवी तो जरूर लगवाएं, ताकि कल को आपको कोई चोर न कह सके और आप पर शक न कर सके माल शॉर्ट होने या ऐसे चोरी हो जाने पर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।